क्या आपको चक्कर आके आप गिर गई कहीं पर, या फिर आपको 2-3 लोगों के साथ आप बैठी थी, तुरंत दौड़ के आपको उल्टी आई और आप उल्टी करने चले गए? क्या आपको खट्टा खाने का मन कर रहा है? तो बधाई हो, आप माँ बनने वाले हैं, मुबारक हो, आपको बच्चा होने वाला है। ऐसे ही दिखाया जाता है ना हमारी हिंदी फिल्मों की सीन्स वगैरह में, हीरोइन को उल्टी आ जाती, हीरोइन दौड़ के जाती है और उनकी माँ या फिर उनकी कोई कजन पीछे से जाती है, बोलती है कि बधाई हो तुम्हें बच्चा होने वाला है, या फिर वो बेहोश होकर के गिर जाती है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो डॉक्टर आके चेक करते हैं, बोलते हैं कि बधाई हो आपके घर में बच्चा आने वाला है। सिर्फ इतना ही सिम्टम से प्रेगनेंसी डायग्नोस्ड हो जाता है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स से, आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने इस वीडियो में। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे प्रेगनेंसी डायग्नोस्ड होती है। तो सिर्फ ये 2-3 लक्षण से प्रेगनेंसी डायग्नोस्ड नहीं होती, और भी लक्षण होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको पीरियड मिस होना चाहिए, आपका पीरियड मिस होना चाहिए सबसे पहला सिम्टम से, कि पीरियड मिस होना। बॉडी में जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपका बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है, तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है। आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको भूख कम लगेगी, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, आपको शरीर में ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग सब फील होगा, ऐसे लगेगा कि आप मोटे हो रहे हैं, आपको रिंग वगैरह टाइट हो जाएगी, आपको नौजिया टाइप से मन कर सकता है, आपको वोमिटिंग आएगी नहीं, आपको उल्टी जैसा मन करेगा, उल्टी होती नहीं है, उल्टी जैसा मन करता है, या फिर उल्टी वोमिटिंग हो भी जाती है, वोमिटिंग की टेंडेंसी आपको लगती है, वोमिटिंग हो भी जाती है। आपको पेट में कुछ क्रैम्पिंग सा फील हो सकता है, कुछ हल्का क्रैम्पिंग पेट में फील हो सकता है, आपको ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग सा फील होगा, ऐसे लगेगा कि कुछ अजीब सा आपको ब्लॉटिंग टाइप से लग रहा है। आपको बहुत सारे सिम्टम्स हो सकता है, किसी किसी को कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते, किसी किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी आपको जो पहले अच्छा लगता था वो आपको अब खाने में अच्छा नहीं लगेगा। किसी किसी को तो फूड की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो जाती है, खाने का बहुत आपको मन करेगा, किसी किसी को बिल्कुल खाना अच्छा ही नहीं लगेगा। आपको मूड स्विंग्स होगा, जैसे कि आपको पहले जो अच्छा लग रहा था वो अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा आपको। बराबर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने के कारण हो जाता है। ये पेट और फूड पाइप की इसको पूरा रिलैक्स कर देता है, जैसे कि एसिडिटी जो एसिड बनता है पेट में वो फूड पाइप में चला जाता है, उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के हो सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका पीरियड मिस होना, और कभी कभी क्या होता है कि पीरियड मिस भी हो जाता है फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं होते। तो आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है कि आपको क्या सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, या फिर आपको जो पहले अच्छा नहीं लग रहा था वो अब अच्छा लग रहा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, कब्ज की शिकायत, या फिर ब्लॉटिंग टाइप से होना, या फिर आपको नौजिया वोमिटिंग की टेंडेंसी होना, ये सब प्रेगनेंसी में आम लक्षण है। शुरू के 3 महीने में बहुत ही कॉमन है, और इस टाइम पे आप जैसे ही आप प्रेगनेंसी से किट पे टेस्ट करके देखते हैं तो आपको ये पॉजिटिव शो कर देता है। इस बीच में आपको कुछ वाजिनल डिस्चार्ज भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ वाजिना से थिक टाइप से कुछ म्यूकस टाइप से कुछ डिस्चार्ज होता है। तो ये सारे लक्षण आपके प्रेगनेंसी के, सिर्फ उल्टी हो जाने से या फिर चक्कर आके गिर जाने से प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, या फिर खट्टा खा लेने से डायग्नोस्ट नहीं होता। प्रेगनेंसी का डायग्नोस्ट के लिए ये सारे लक्षण भी मायने रखते हैं। आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी।